वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपना गढ़ छोड़कर रीवा जिले की विधानसभाओं में प्रचार प्रसार का जिम्मा उठाया और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए यहां पर जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। अजय सिंह राहुल ने देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में विद्यावती पटेल के पक्ष में वोट मांगे, साथ ही उन्होंने सिमरिया और गढ़ में भी आम सभाएं संबोधित की। इसके अलावा राहुल ने रीवा में अभय मिश्र के समर्थन में वोट मांगे। आज बनके देव तलाव के सम्मान के रक्षा करिए, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हम हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी अबला एकर रक्षा करी, इनका सम्मान बढ़ाई। और यह बल्कि विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा दम है तो हमारे बहनिन का टिकट मिली है, नारी का टिकट मिली है, हम आदरणीय राहुल भैया का हम लोग सीट जीतेंगे। सब पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और सीट जिताने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, पिछले दो पंचवर्ष से उन्होंने चुनाव यहाँ पर जीते हैं और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ सक्रिय है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कितना सार्थक कदम उठाएगी, कैसा उनका अभियान होगा? देखिए, जब जनता साथ में रहती है तब दबदबा रहता है किसी भी पार्टी का। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके शासन को जनता ने देखा है, अब वो परिवर्तन करना चाहती है। तो जनता के रुख को कोई रोक नहीं सकता है, जनता का रुख पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में है। देखा जाए तो ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, क्या कमियां हैं जिनको आप मुद्दा बनाकर रखेंगे? देखिए, हम लगातार 10 वर्ष से क्षेत्र में सक्रिय हैं। स्थानीय बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। एक दो मुद्दे हों तो बताएं, बहुत सारे मुद्दे हैं और जो हमारे स्तर से हैं हम उसका निदान करेंगे, जो शासन स्तर से है, प्रशासन स्तर से है, तो हमारी पार्टी उसका निदान करेगी। देखिए, पहले चीज़ तो मुझे इस बिखरती कांग्रेस पे ही आपत्ति है। आज की कांग्रेस बिखरती कांग्रेस नहीं, एकजुट होती कांग्रेस है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस एकजुटता को, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे दूसरे दलों के भी साथी कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। ये कांग्रेस की विजय का पहला निशान। आज हर आदमी ये महसूस कर रहा है कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को मध्य प्रदेश से हटाया जाए और जनता को राहत दिया जाए। तो ये बिखरती कांग्रेस नहीं है, ये एकजुट होती कांग्रेस है। वक्त है बदलाव का। राहुल गांधी जी ने
बहुत सोच समझ के ये नारा दिया। एक बात अभी आप हमारे प्रत्याशी से पूछ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी का एक शब्द आपने जिक्र किया। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, उसके तमाम बड़े नेता आज वक्त की ज़रूरत समझकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। आज पूरे देश को ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों को, भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा को इस देश से ख़त्म करना है। आज देश की पहली ज़रूरत है और इसीलिए सभी बुद्धिजीवी जो देश के बारे में सोचते हैं वो सब कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, आठ में कितनी सीटें आप जीतती देख रहे हैं? मैं तो जावेद भाई आठ में से आठों सीट जीतते देख रहा हूँ। जनता परिवर्तन, मैं बीएसपी की बात कर रहा था, जनता परिवर्तन चाहती है। आप पत्रकार के नाते आपने ये महसूस किया होगा, तो ये परिवर्तन कांग्रेस लाएगी। परिवर्तन की चाह ही इस बात का संकेत है कि जनता कांग्रेस को चाहती है। ये बीएसपी या अन्य तीसरे चौथे दल से नहीं होने वाला है, इसलिए जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना। हमें कांग्रेस के सरकार बनावे का है, वही फर्जी गिरीश गौतम हरण का निपटावे। सवाल यह भी है कि विद्यावती चुनाव लड़ रही है, विद्यावती न होती, निपेंद्र होते, राकेश रतन होते, अरविंद तिवारी होते, आईएमपी वर्मा होते, वो इंद्र ठाकुर साहब बैठे होके बहुत नाराज रहते हैं, वो होते तो हो। उम्मीदवार का कौन नहीं देख रहा आपकी, आपकी हर आदमी चाहत है कि 15 साल की अब भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निपटा दी जाए। एक है दफे नेते लोग सुस्त हो ही, जनता तुस्त, नेता लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, कौने कह जाए बड़कवा जानवर कह जाए कि वो जो निपटाए लाग है, जो मंदिर मा आश्रम मा कब्जा करे ओके कह जाए। बात सही है गलत फुकारी भरे जाए। तो जब जनता चाहती कांग्रेस पार्टी के सरकार बनावे का, तो हमें कोताही न करे चाहे, हम अपना से प्रार्थना करें। हर एक कांग्रेस के नेता का फर्ज है 15 साल वनवास समाप्त करे को हो तो भाई अपना के घरे से कुछ जाता हो लगा जाए सरकार बना दे, और सरकार बना दे तो अपनों का कल्याण हो, हमारा हो, ये सबके हो। आज ही कर्मचारी खड़े हो दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी, माँ माता बहन दुखी, तो भैया सुखी को है सुखी ऐसे अपना के क्षेत्र में गिरीश गौतम हुई विधायक बने के पहले चाहे 10 बस नहीं हुई, अब सैकड़ा हो गई ऐसे है कि ना हो। को कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लाने वाले अपना ज्ञान तो आवे वाले हैं, हम जैसे बोल रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चुनाव में भाषण देता है। आज अभिनय समय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनका दूसरा भाई मोदी दोनों जने आ जाए, आपके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है कि जनता की ताकत थी, और जनता जब मन बनाए ले थी तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आवे या वो फर्जी नाना नरेंद्र मोदी आवे कुछ गदा नहीं। एक जने झूठ बोले वाले शिवराज, तुमका बाप नरेंद्र मोदी है। यंग स्टेडियम की घोषणा करे थे नरेंद्र मोदी 15 लाख अपना के खाता भेजा, ताली कंबली लाए सबके खाता में पैसा आए आवा है। यदि नहीं आ रहा है तो संदेश भेज गए शिवराज सिंह के माध्यम से नरेंद्र मोदी का कि 4.5 साल हो गया वो वादा तुम्हारा झूठा था, अब कि हमने कांग्रेस को जिता के बता दिया है कि क्या होता। यह तो सेमीफाइनल आए, यह चुनाव सेमीफाइनल आए, ये पंचे काहे मरे जात लाग मध्य प्रदेश में, ये अमित शाह मैया चौराहा ढियन नरेंद्र मोदी रीवा सब जगह काहे मरे जात लाग। उनका मालूम है कि 6 महीने बाद उनकर कुर्सी खाली हो रही है।
उनका मालूम है कि राहुल गांधी निपटाए दे या रफेल के चोर का, यह जो चौकीदार चोर है, यह नारा पूरे हिंदुस्तान में फैलता है। तो ऐसे भाई हम अपना से प्रार्थना करते हैं, असीम संभावना विकास के रीवा संभाग के है। दाऊ साहब का सिर्फ 1980 से 85 पांच साल के समय मिला और एक साल बीच बहुत मिला पंजाब के बाद। 80 से 85 के बाद आजो त्योथर में लोग कहते रहे वह समय हमें यह पुल मिला रहा, वह समय हमें बांध मिला रहा, लेकिन इनके 15 साल में शिवराज सिंह के 13.5 साल उदाहरण स्वरूप को बता दे कि यह संभाव को बड़ी चीज मिली। उदाहरण स्वरूप बता दे कि घोषणा कबो नहीं करत रहे, लेकिन जो उनका ही देते रहे वो पत्थर के लकीर हो रहे। यदि कोनो गरीब भोपाल नहीं कर रहा कि हमें पत्ती तोड़ी थे गर्मी में तो हमें मालिक बना दी जाए। 5 बजे तक रीवा पहुंचेगा है, अंधियारे में उड़क नहीं है, शिवराज की तो अंधियारे में उड़ जाते। हम सब जिले हैं उपस्थित हैं 28 तारीख के चुनाव के संबंध में। जो हमें समझ में आवत कहे कि हम या 8वां चुनाव लड़ित ला दफे विधायक है, एक दफे उम्र कम रही, जोश है जोश में चले गए भोपाल में पटवा जी मुख्यमंत्री से लड़े, हार जरूर गए लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा दिया। आज वह काम हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी कर रहे हैं जो बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम हार गए हैं वो जीत जाए, चौबे जी का हाथ लागे तो बहुत बड़ी अच्छी बात, लेकिन सरकार बन गई यह बात सही। लेकिन यह चुनाव अजीब मेयर के हैं, 2 महीना पहले दूसरे मेयर के वातावरण रहा और अब दूसरे मेयर के वातावरण। पहले हम बच्चे कांग्रेस भाजपा बात होती रही कि हमारा न्याय यात्रा है तो उनका आशीर्वाद यात्रा है और जनता में चुप भी रही, लेकिन आज के तारीख में हम अंते के नहीं जानी, लेकिन रीवा शहडोल संभाग काल तक हम हर विधानसभा क्षेत्र में आओ शहडोल उमरिया अनूपपुर सीधी सिंगरौली रीवा सतना जितना हम घूमन यह संभाग में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव नहीं है, यह चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जनता अपने आप मन बना चुकी है, जनता अपने आप पर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है नेताओं के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। 28 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे में आप भी वोट के लिए जरूर जाइएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।